16 साल बाद आखिर आज मिल ही गई कामयाबी, वही परीक्षा। जी हाँ, वन रक्षक के पद पर नियमित होने के लिए 2008 से लड़ाई लड़ने वाले विजय बहादुर सिंह को आखिर आज कामयाबी मिली, जिसके लिए लग गए पूरे 16 साल। वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कामयाबी मिलने के बाद बकायदा हुई परीक्षा। जी हाँ, वन रक्षक के पद पर नियमित होने के लिए 2008 से लड़ाई लड़ने वाली विजय बहादुर सिंह को आखिर आज कामयाबी मिली। रीवा वन विभाग द्वारा रीवा के विज्ञान महाविद्यालय में विजय बहादुर सिंह की परीक्षा कराई गई। बकायदा वीडियोग्राफी हुई, परिणाम को भोपाल भेज दिया गया है। रीवा वन विभाग के डीएफओ अनुपम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, मामला 2008 का था, हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परीक्षा कराई है, जिसकी पुष्टि साइंस कॉलेज के प्रचार ने भी की है। इस बारे में हमने डीएफओ रीवा अनुपम शर्मा सहित विज्ञान महाविद्यालय के प्रचार से बात की, उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया, जी हाँ, एक ऐसा मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमने कार्रवाई की है, बकायदा वीडियोग्राफी कराई गई है। रीवा वन विभाग के द्वारा रीवा के विज्ञान महाविद्यालय में विजय बहादुर सिंह की परीक्षा कराई गई, बकायदा वीडियोग्राफी हुई, परिणाम को भोपाल भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर हमने साइंस कॉलेज के प्रचार सहित डीएफओ रीवा से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। सर, आज एक आपने परीक्षा कराई मॉडल साइंस कॉलेज में, क्या है मामला? मामला ये है कि एक व्यक्ति हैं श्री विजय बहादुर सिंह जी, तो उनका एक न्यायालयीन प्रकरण था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर्स थे उनके पालन के लिए हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, नियमितीकरण वन रक्षक पद के तौर पे। तो उसका आज एग्ज़ाम हमारे CCF सर श्री राजेश राय सर के निर्देशानुसार मेरे उपस्थिति में कंडक्ट करवाया गया था। सर, ये मामला 2008 से चल रहा है, आखिर ऐसी कुछ वजह क्या थी? वजह मोटे मोटे तौर पे यही थी कि काफ़ी समय लग गया, शुरुआत में केस हाई कोर्ट में रहा मध्य प्रदेश में, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में रहा, अंततः डिसीजन इसका दिसंबर में लास्ट ईयर आया था 2023 में। एग्जाम कहाँ हुआ सर? एग्ज़ाम न्यू मॉडल साइंस कॉलेज, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा कॉपरेशन किया गया और उन्हीं के इन्विजिलेटर्स भी थे और उनके एवेल्यूएटर्स भी थे। ठीक है। आज आपने एक पेपर कराया है सुबह, क्या था मामला, क्यों आपने उसको जगह दी थी? वास्तव में हमारे यहाँ वन विभाग से एक पत्र आया था जिसमें उनका ये निवेदन था कि हमें केवल स्थान देना है उन्हें और वीक्षक देने हैं। उन्हें एक किसी व्यक्ति का एग्ज़ाम यहाँ पर कराना था जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत था, इसलिए हमने उन्हें स्थान दे करके उनकी परीक्षा संपादित करवाई।